बड़ी खबर के साथ पूर्णिया से राम पप्पू यादव चुनाव लड़ने पर लगातार इसी सीट से अड़े हुए हैं, वापस नहीं लेंगे पूर्णिया से अपनी उम्मीदवारी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के दबाव के बाद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं पप्पू यादव, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन आज है, लेकिन वो अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे। इसके पहले पप्पू यादव ये साफ कर चुके हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते दौरान इस बात का कई बार जिक्र भी किया है। एक जनसभा में भावुक भी नजर आए पप्पू यादव। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और अपना नामांकन, अपनी उम्मीदवारी वो वापस नहीं लेंगे। वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस के दबाव के बाद भी निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वो कांग्रेस का साथ भी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस ने नाम वापस लेने का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया था, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि पप्पू यादव अपना नाम वापस नहीं लेंगे और पूर्णिया से चुनाव लड़ने को पप्पू यादव लगातार अड़े हुए हैं। कांग्रेस के दबाव के बाद भी वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, उनके बगावती तेवर लगातार नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी ने बीमा भारती को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद से ही लगातार पप्पू यादव की जो बातें हैं, जो उनके बयान हैं, वो लगातार पूर्णिया से सामने आ रहे थे कि वो चुनाव पूर्णिया से ही लड़ेंगे। कोई भी कहीं से भी उम्मीदवार बनाए लेकिन वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे चुनाव। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज क्योंकि अंतिम दिन है, लेकिन वो वापस अपना नाम नहीं लेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर किस पार्टी को फायदा और किस पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं। देखिए, पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीमा भारती के वोट बैंक में कटौती हो सकती है, आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है, जेडीयू को इसका सीधा फायदा हो सकता है, एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को इसका सीधा फायदा मिल सकता है, एनडीए की समर्थन जेडीयू को इसका सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। पूर्णिया से लगातार दो बार चुनाव जीत चुके हैं कुशवाहा। पप्पू यादव के लड़ने से मिथिलांचल में इसका काफी असर देखने को मिलेगा, दूसरे जिलों पर भी इसका प्रभाव, इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दरभंगा और खगड़िया लोकसभा सीट पर भी इसका असर होगा, तो यानी कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो अब पूर्णिया में देखने को मिल सकता है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, ये तो तय है पूर्णिया से अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे पप्पू यादव। पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, पार्टी छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे पप्पू यादव। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पप्पू यादव ने यह फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के तमाम दबाव हों उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और सेकंड फेज के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। और आज जैसे कि उनके लोगों से मेरी बात हुई है और खुद पप्पू यादव ये बता रहे हैं कि वो अब अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे और वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और पूर्णिया जीत कर ही वो लोकसभा पहुँचेंगे। साथ ही पप्पू यादव के लोगों का ये भी कहना है कि उनका जो भरोसा है वो आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर है, भले ही कांग्रेस उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर ले, पप्पू यादव अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे और पूर्णिया से लगातार चुनाव, जो इस बार उनका चुनाव है, वो लड़ेंगे। और उन्होंने एक बात और साफ कर दी है कि बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं और साथ में जो आरजेडी के लालू यादव हैं और तेजस्वी यादव ने जो रणनीति बनाई थी पप्पू यादव के नामांकन वापसी की, इसमें उनको झटका लग सकता है। और पप्पू यादव ने यह भी साफ कर दिया है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और ऐसे लोग जो उनके खिलाफ साजिश रचते रहे हैं उनको वो मौका आने पर जवाब भी देंगे। जी प्रशांत, अब एक बार ये बताइए, क्योंकि अब तो पप्पू यादव नाम अपना वापस नहीं ले रहे हैं, चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे, त्रिकोणीय मुकाबला अब यहाँ पर हो जाएगा, तो हम लगातार दर्शकों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि आखिर किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। बीमा भारती के वोट कटेंगे, आरजेडी को नुकसान हो सकता है, इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, लेकिन क्या एनडीए को भी इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर एनडीए को फायदा हो सकता है इससे? देखिए, सीधे तौर पर आप देख लीजिए कि पूर्णिया में अगर त्रिकोणीय जो अभी मुकाबला होना है, जो कड़ा संघर्ष होना है, उसमें सीधे तौर पर पप्पू यादव के निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने से एनडीए को ही फायदा होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि वहाँ जो यादव वोट हैं, यादव वोट अगर बढ़ते हैं तो जो एनडीए के खाते का वोट है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो पचपनिया वोट है वहाँ का, वहाँ का जो वैश्य वोट है, वहाँ का जो ब्राह्मण वोट है, वहाँ का राजपूत और भूमिहार वोट जो है,
ये सारे एक मुश्त एनडीए के खाते में जा सकते हैं। इसके अलावा और जो वहां पर मंडल वोट है, चूंकि वो उसमें भी दो भाग हो जाएगा, और चूंकि संतोष कुशवाहा कुशवाहा से आते हैं तो कुशवाहा का जो वोट है वो एनडीए के खाते में ही जाना है। ऐसे में पप्पू यादव की उम्मीदवारी से निश्चित तौर पर एनडीए को पूर्णिया में फायदा होने वाला है। Z News.